करनाल में फसल अवशेष प्रबंधन को शत प्रतिशत सफलता की ओर ले जाने के लिए जिला प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। इसी के चलते शुक्रवार को उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने उप कृषि निदेशक के कार्यालय से गेहूं की सीधी बिजाई करने वाली 15 हैप्पी सीडर मशीनों को किसानों तक पहुंचाने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रत्येक खंड में दो दो मशीनें रहेंगी और संबंधित खंड कृषि अधिकारी किसानों से संपर्क कर निःशुल्क मशीनें उपलब्ध करवाएंगे। इस सुविधा से किसान अपना ट्रैक्टर लेकर मशीन प्राप्त करके उसे खेत में ले जाकर गेहूं से सीधी बिजाई करने में सक्षम होंगे। उप कृषि निदेशक डॉक्टर आदित्य डबास भी इस अवसर पर मौजूद रहे। उन्नत किस्म की मशीन हैप्पी सीडर एक घंटे में एक एकड़ करती है। उपायुक्त ने बताया कि हैप्पी सीडर मशीन की खासियत है कि इससे धान कटाई के बाद खेत में अवशेषों के बीच में ही गेहूं की सीधी बिजाई की जा सकती है, जो मैनुअल तरीके से की गई बिजाई से कहीं ज्यादा बेहतर है। लाइनों में और प्रॉपर बिजाई से गेहूं की पैदावार भी ज्यादा निकलती है। धान के अवशेष मिट्टी में मिलकर एक बेहतरीन खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। सबसे बड़ा फायदा, किसान को धान अवशेषों में आग लगाने की जरूरत नहीं रहती, जो पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से आज के समय की मांग है। यहां आपको बता दें कि धान का कटोरा कहे जाने वाला करनाल वर्षों से धान उत्पादक का एक प्रमुख जिला है। इसे देखते प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने करनाल को सर्वाधिक 15 हैप्पी सीडर उपलब्ध करवाई है। इन्हें प्रयोग में लेने के लिए किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मशीनें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगी, जबकि गत वर्ष विभाग के निर्देशानुसार हैप्पी सीडर 100 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से उपलब्ध करवाए गए हैं। इन मशीनों को विभागीय स्तर पर फरवरी 2018 में खरीदा गया था और वर्ष 2018 से 19 में कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए खरीदी जाने वाली मशीनों में हैप्पी सीडर को मैंडेटरी किया गया था, ताकि इन सीटू मैनेजमेंट यानी फसल अवशेषों को मिट्टी में ही मिला देने का तरीका किसान अपना सके। हमने 15 हैप्पी सीडर यहाँ हरी झंडी दिखा करके रवाना किए हैं। ये हैप्पी सीडर्स किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे किसान अपना ट्रैक्टर ला करके और उन हैप्पी सीडर्स को साथ ले जा सकता है। ये जो इन सीटू मैनेजमेंट है हमारा पराली प्रबंधन का, उसका एक अच्छा तरीका है। हैप्पी सीडर जो है वो पराली के साथ साथ ही जो अगली फसल है उसकी बिजाई करने में सक्षम है, और इसलिए जो मान्य है उनमें आग लगाने की प्रथा को बिल्कुल रोका जा सकता है। मेरी सभी किसान भाइयों से आग्रह रहेगा कि जिन जिन के पास ये एग्रीकल्चर मशीनरी उपलब्ध नहीं है, वो ब्लॉक ऑफिस से आकर के अपना ट्रैक्टर ला करके और हैप्पी सीडर साथ ले जा सकते हैं और पराली को जो है पूरी तरह से पराली के साथ ही ये बिजाई करेगा। किसी भी सूरत में हमें पराली नहीं जलानी है। पराली के साथ साथ जो तरीके इन सीटू और एक्सीटू पराली मैनेजमेंट के, वो हमने अपनाने हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.